दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोई चैप्टर के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, कोई पोएम नहीं पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में सिलेबस को देखेंगे, इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस को देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर में एग्ज़ाम होती है। बेसिकली दोस्तों, अभी जो कोर्स है वो CBCS का कोर्स है, तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि इंडिया का सेम ही कोर्स होता है, तो क्योंकि ये बोर्ड सेम है। तो बेसिकली जो आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। क्योंकि हम जानते हैं कि 6 सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर होता है 3 ईयर के अंदर, जिसको TDC कहते हैं, थर्ड ईयर जो डिग्री कोर्स होता है वो। तो उसके अंदर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्या क्या है और क्या स्ट्रक्चर होता है एग्जामिनेशन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की दुआ से, हेल्प से आज हमने 400 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। तो इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। और प्लीज़ दोस्तों, एक 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 सेकेंड टाइम निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश ऑनर्स की फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 पेपर होता है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका 2 पेपर होगा, थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर, ऐसे कर कर करके वो आगे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आज हम बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, वो पैटर्न मैं आपको कह देता हूँ। 100 मार्क्स का पूरा एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 30 मार्क्स इंटरनल होता है, उनमें से 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एक एग्ज़ाम होगा, और 10 मार्क्स जो अटेंडेंस का होता है उसका होता है। बाकी 70 मार्क्स का आपका मेन एग्ज़ाम होगा, जो एंड पे आप देंगे, ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट पेपर में यूनिट 5 है, उसको हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। यूनिट 1 में आपको हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ द पीरियड को पढ़ना है, जैसे मेडिवल ड्रामा है, रेनेसांस पोएट्री है, ड्रामा बिफोर शेक्सपियर है, दी एलिजाबेथन थिएटर है, रेनेसा प्रोस है, और शेक्सपियर ड्रामा है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने इनमें से कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी किया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं दूंगा। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है जोफ्री चौसर का नाइट एंड प्रायरस, जो प्रोलॉग प्रोलॉग में है। कैंटरबरी टेल, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये तो करेक्टर है। मैं आपको कह देता हूँ कि पूरा कैंटरबरी टेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा कैंटरबरी टेल कोर्स में नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या करते हैं कि पूरा पढ़ने में लग जाते हैं, जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो कोर्स ख़त्म नहीं कर पाते। तो देखिए अच्छे से कि कोर्स क्या है, क्या पढ़ना है, अननेसेसरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो आप जो ये जो करेक्ट ये दो करेक्टर है ये अच्छे से पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन होगा। उसके बाद 2 नंबर होता है एडमायर स्पेंसर की, जो एमोरिटी उन्होंने जो कलेक्शन लिखा था पोएम का, उसमें से एक पोएम है लाइक एज ए हंसमेंट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट पोएम है और बहुत ही इजी है। अगर आप समझेंगे लाइन बाय लाइन तो बहुत ही इजी पोएम है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी ये पोएम के ऊपर वीडियो ऑलरेडी किया है। यूनिट 3 जो है, इनमें आपको जॉन डन की एक पोएम पढ़नी है, दी सन राइजिंग। ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री है दोस्तों, और ये थोड़ा टफ है, तो आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इस पोएम के ऊपर वीडियो चाहिए, ऐसे वैसे तो बहुत वीडियो अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं दूंगा। उसके बाद शेक्सपियर जो सोनेट है, उनमें से आपको 2 सोनेट पढ़नी है। याद रखिए कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है, तो आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 73 नंबर का सोनेट और 130 नंबर का सोनेट पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो आपको इनमें से क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फोस्टस, जो एक ट्रेजेडी है, वो पढ़नी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और उसके बाद आता है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। डॉक्टर यूनिट 5 की बात करें तो आपको इसमें जॉन ड्राइडन का दी मैकप्लैकनो पढ़ना है। ये एक मॉक हीरोइक पोएम है, ये बहुत ही लंबा है, तो आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत लंबा पोएम है। यहाँ पर दोस्तों पेपर 1 हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि 2 पेपर होता है, तो यहाँ पर पेपर 1 का ख़त्म होता है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, इंडियन इंग्लिश जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। पेपर 1 में हमने इंग्लैंड की देखा, ठीक है, इंग्लैंड के जो साहित्य है, लिटरेचर, उसका पढ़ा है। पेपर 2 में कम्प्लीटली डोमेन करता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो पेपर 2 में यूनिट 5 है, 5 है यूनिट,
उनमें से फर्स्ट जो है यूनिट उसमें आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, कह सकते हैं हिस्ट्री। इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेपर यूनिट टू की बात करें दोस्तों, यूनिट टू में आपको एक नॉवल पढ़ना है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसको लिखा था आर के नारायण ने। ये बहुत ही लंबा नॉवल है दोस्तों, बहुत ही लंबा है नॉवल। तो मैं आपको ये करूँगा सजेस्ट कि आप पहले इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही लंबा है नॉवल और ख़त्म करना में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। हमें भी बहुत टाइम लगा था इसको ख़त्म करने में, तो आई रिक्वेस्ट कि आप जल्दी एज सुन एज़ पॉसिबल यू कैन स्टार्ट, वरना ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नॉवल है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा लास्ट में जाकर या फिर एग्ज़ाम के 1-2 मंथ पहले स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी तैयार करना है, सीखना है, तो स्टार्ट कीजिए। यूनिट थ्री की बात करें तो यूनिट थ्री में 3 पोएम है, त्रयोदत्त का द कैसुइनरी, कमला दास का माई ग्रैंड मदर्स हाउस, निजीम एजिकल का द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये 3 पोएम दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 पोएम में से प्रश्न आएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि त्रयोदत्त को पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है जो कोर्स में है वही पढ़े, टाइम लिमिटेड है, ऑनर्स में बहुत ही पढ़ना होता है और टाइम भी लिमिटेड है, तो बी केयरफुल, और आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें, ठीक है। यूनिट फोर की बात करें तो इसमें आपको महेश दत्तानी साहब का एक प्ले पढ़ना है, ड्रामा जो तारा है। तारा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, मेरे चैनल पे है, अवेलेबल है। और ये इस ड्रामा के ऊपर मैंने वीडियो किया नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं कर पा सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट फाइव की बात करें तो यूनिट फाइव में दो शॉर्ट स्टोरीज है। इनमें से सबसे पहले है मूर्ख मूर्ख राज आनंद की, जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, टू लेडी राम्स, ठीक है। टू लेडी राम्स के ऊपर मैंने दो वीडियो किया हुआ है, एक वीडियो में इसका समरी बताया है, एक वीडियो में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया है, दोनों वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शशि देशपांडे जी का द इंट्रूशन, ये दोस्तों ये दोनों शॉर्ट स्टोरी बहुत ही ज़रूरी है, ये बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट का सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों शॉर्ट स्टोरी के ऊपर मैंने दो दो वीडियो किया हुआ है, एक में मैंने समरी बताया, एक में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ख़त्म होता है, 2 पेपर होंगे तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। मैंने आज फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको बताया है, अगर आपको बाकी सेमेस्टर की भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।